नमस्कार, मैं विद्या रॉय और स्वागत है आप सभी का देडू क्राफ्टर के न्यूज बुलेटिन में। सीबीएसई ने उन बच्चों के लिए एक नोटिस जारी किया है जिन बच्चों का 10th में बेसिक मैथ था और वो 11th में स्टैंडर्ड मैथ लेना चाहते हैं। जिस नोटिस में सीबीएसई ने बात कही कि जो इन बच्चों का 10th में बेसिक मैथ था और वो 11th में स्टैंडर्ड मैथ लेना चाहते हैं, तो वो अब बेझिझक 11th में स्टैंडर्ड मैथ ले सकते हैं। इस साल इस नियम को सीबीएसई ने कोरोना की वजह से हटा दिया है और छात्रों के हित में यह फैसला लिया है। सीबीएसई ने एक बात साफ साफ कही है कि ये सारी बातें जो है वो कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कॉलेज के प्रिंसिपल परमिट करते हैं तभी आप 11th में स्टैंडर्ड मैथ ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपको 10th में बेसिक मैथ है और आपको 11th में स्टैंडर्ड मैथ लेना होता था तो इसके लिए आपको कंपार्टमेंट में स्टैंडर्ड मैथ के एग्जाम देना होता था, जिसके बाद ही आप 11th में स्टैंडर्ड मैथ ले सकते थे। लेकिन इस बार इस नियम को हटा दिया गया है और आपको कंपार्टमेंट देने की कोई भी जरूरी नहीं है। तो अब उन बच्चों के लिए कोई भी परेशानी की बात नहीं है जिन बच्चों का 10th में बेसिक मैथ था और वो 11th में स्टैंडर्ड मैथ लेना चाहते हैं। ये एक तरह से बच्चों के हित में लिया गया फैसला है सीबीएसई के द्वारा, जो कि बहुत ही लाभकारी होने वाला है बच्चों के लिए। अब दूसरी खबर यह है कि 7 अगस्त को विकास मंत्रालय और UGC के द्वारा नई शिक्षा नीति पर एक आयोजन सम्मिलित किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी ने इस नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत ही अहम बातें कही। तो वहीं पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने UGC के द्वारा एक गाइडलाइंस को लॉन्च किया, जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया गया था, जिसमें कि अप्रेंटिस डिग्री प्रोग्राम को सम्मिलित किया गया। अब हम पहले जानेंगे कि यह अप्रेंटिस डिग्री प्रोग्राम क्या होता है। तो यह एक तरह का प्रशिक्षण प्रणाली होती है जिसमें कि आपको प्राइवेट ऑफिस हो या फिर गवर्नमेंटल ऑफिस हो, उसमें होने वाले काम के बारे में आपको प्रशिक्षित किया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। यह लगभग 1 से 1.5 साल का प्रोग्राम होता है जिसमें कि आपको उससे काम से रिलेटेड हर तरह की जानकारी आपको ट्रेनिंग करवाया जाता है। पहले क्या होता था कि जो बच्चे जो उम्मीदवार होते थे, अगर वो इस चीज़ को करना चाहते थे तो कोई भी निजी जो कंपनी होती थी या फिर जो प्राइवेट कंपनी होती थी वो इस अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए वैकेंसी निकालती थी और वो इसमें जाकर अपना ट्रेनिंग लेते थे, फिर वहीं पर ये काम भी सीखते थे और इसके लिए उनको पैसे भी मिलते थे। तो अब इन सारी चीज़ों को जो UGC ने है उसने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सम्मिलित कर दिया है। अगर आप अब कहीं भी स्नातक करते हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो वहीं पर आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि बच्चों को जनरली जो भी सिंपल ग्रेजुएशन करते थे तो उनको आगे चलकर काम तलाशने में बहुत ही परेशानी होती थी। अब इन सारी परेशानियों को कम करने के लिए UGC ने ये गाइडलाइंस तैयारी किया, जिसके तहत बच्चों को एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, उनको काम के लिए कहीं भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यह एक जो अच्छी पहल है UGC के द्वारा जो गाइडलाइन तैयार किया गया है, यह एक बहुत ही अच्छी पहल है उन बच्चों के लिए जो सिंपल ग्रेजुएशन करते थे। एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।